उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। क्या समाचार है? समाचार ये है, दुर्जन तो ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? द्वार देवकी, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। एक बार इस माँ ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर पुत्र विमुख हुई माँ कोख से जिनकी जन्म ले थे धन्य परमात्मा।
दूध भी नहीं पिलाया था। इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। पहला कर्तव्य भी नहीं निभा नवलीला का आरंभ किया पर थे लीलाधर दुविधा में मिलन को व्याकुल मैया से पर माँ को छोड़ कर पीड़ा में पर माँ को छोड़ कर पीड़ा हो रहा है मेरी ही लीला है। तब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए।
भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहू सामने संकट गोद में हृदय की डो। दृश्य देख घबराए देव हुए खड़े सर जो, कैसे करे सहायता उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई, विपत सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई, वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है तो सुरक्षा भी यही करेंगे। कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को धार, फैलाया फण जग रक्षक पर रक्षा की छतरी छाई, पीछे पीछे चले शेष बनकर प्रभु की परछाई।
आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श। कर प्रणाम पथ दिया सब में छाया थमी बादल छटे आकाश में चमके तारे पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर
मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यहां बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था। कुछ पता तो नहीं चला? कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खिंचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खिंची जा रही थी धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया।
पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई, उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी आठवीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। अबोध कन्या आठवीं संतान, तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद
जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को दुर्गा, भद्रकाली, विजय वैष्णव, कुमुद चंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी बहन, मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं? क्षमा मांग रहा हूं मैं, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति, थे तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंदलाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आई बनकर गोपाला। जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु,
आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पहर आयो कन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं। पुष्पन के मुख मुस्कान पे खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो। निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी। प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिरैया, लालन थपक जगाओ सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी। प्रथम पहर आयो जी। श्री हरे जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। यशोमती मैया के जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है, तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गो है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है, तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। मैं
और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुणा पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई मैया, अद्भुत दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला। छाती पर रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी, यशोदा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी, ओह मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। तो देखो इसकी कैसे मीच रहा। मौसी गाल तो देखो गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है लल्ला की प्रसन्नता में ना जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। हाय यशोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल? यशोदा भाभी मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा मुझे दे दो। ना ना संकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगो अपनी कस्तूरी के पास। चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी आपके घुटने में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना खोदने। ना ना भाभी आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं मुझे लेना है। नहीं मैं लूंगी, क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो, माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए हैं ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो, उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। यशोमती